हेलो, पहले गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, यानी कि वो कौन सा चैप्टर, मुगल साम्राज्य चैप्टर, जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे। थर्ड या फोर्थ क्लास आज है इस चैप्टर का। तो इस टॉपिक को यानी कि आज क्लियर करेंगे, जो कि पिछले क्लास में हम औरंगजेब का फर्स्ट पॉइंट ला चुके थे और फिर से दोहरा के वही चीज को लाए हैं। और आज हम इसको क्लियर करने के बाद एक नया टॉपिक शुरू किया, मराठों का उत्कर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, मुगल साम्राज्य आज कंप्लीट करेंगे औरंगजेब के साथ और नया टॉपिक स्टार्ट किए, मराठों का उत्कर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो है औरंगजेब का कुछ पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट, ये चीज हम कल बता चुके थे, लेकिन फिर से आज हम यही चीज को लाए हैं ताकि एक साथ ये कंप्लीट हो जाए। तो आइए, औरंगजेब का यानी कि मुगल साम्राज्य टॉपिक का आज लास्ट क्लास औरंगजेब है। तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को, यानी कि दोहार, जिसे अभी आज के डेट में गुजरात कहा जाता है, नामक स्थान पर हुआ। सीधे सीधे तौर पर ध्यान में रखिएगा, गुजरात। यानी कि औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात में। कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म हुआ। फिर औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। यानी कि औरंगजेब का ज्यादातर समय जो बीता, कहाँ बीता, तो वो नूरजहां के पास बीता है। फिर नेक्स्ट आता, औरंगजेब के गुरु थे कौन, मीर मोहम्मद हकीम। क्या है, औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो मीर मोहम्मद हकीम। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे। ध्यान दीजिएगा, जब इस्लाम धर्म की जब क्लास चल रहा था, उस टाइम हम सिया सुन्नी की बात कर चुके हैं, वहां आराम से जाके आप देख सकते हैं, उस पर डिटेल पर बात किए हैं। कहां, तो इस्लाम धर्म की जिस टाइम बात कर रहे थे, उसमें आप जाके देख सकते हैं, उसमें डिटेल में सिया सुन्नी की बात की है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब जो था किस धर्म को मानते थे, तो वो सुन्नी को मानते थे। ऐसे तो मुस्लिम धर्म ही है, लेकिन दो पार्ट में था, सिया और सुन्नी, जो कि हम बात कर चुके हैं। तो उसमें से औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे। फिर औरंगजेब ने 1600 यानी कि 1679 ईस्वी को जजिया कर को यानी कि पुनः लागू किया। ध्यान दीजिएगा, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था कब, 1564 ईस्वी को, जो कि अकबर का जिस टाइम, यही मुगल साम्राज्य टॉपिक में अकबर जिस टाइम चल रहा था, उसमें बता चुके हैं कि जजिया कर समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा कब, तो 1564 ईस्वी को। लेकिन औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी को जजिया कर को पुनः लागू किया। ध्यान दीजिएगा, समाप्त किसने किया था, अकबर ने 1564 ईस्वी को, पुनः औरंगजेब ने लागू किया 1679 ईस्वी को। फिर 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ध्यान दीजिएगा, बीजापुर को कब, तो 1685 ईस्वी में, और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में। यानी कि औरंगजेब के मुगल साम्राज्य, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में क्या किया, शामिल कर लिया, यानी मिला लिया। फिर औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया, जिसमें से सोमनाथ का भी मंदिर, यानी कि जैसे बनारस का विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब ने कब, तो 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिसमें खासकर कह सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, ये सब मंदिर भी इसमें शामिल था, यानी कि इनके कहने पर ये सब मंदिर भी टूटा। फिर औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई, इसे यानी कि खुलादाबाद में दफनाया गया। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो 20 फरवरी 1707 ईस्वी में, और कहां दफनाया गया, तो खुलादाबाद में दफनाया गया। फिर औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी, तो 20 थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी, तो 20, यानी कि 20 सूब थे औरंगजेब के समय। यहाँ यानी कि मुगल साम्राज्य जो टॉपिक यहाँ एकदम पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और नया टॉपिक जो शुरू किए, मराठों का उत्कर्ष। क्या है, मराठों का उत्कर्ष, यानी कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी। ध्यान दीजिएगा, प्रायर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ये क्वेश्चन उठता है
कि जैसे कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो हम बता चुके फर्स्ट क्लास में कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर थे, तो उसी तरह से मराठों का उत्कर्ष यानी कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी थे। यानी कि मराठा संस्थापक सॉरी मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी फर्स्ट। सेकंड आते हैं शिवाजी का जन्म। 6 अप्रैल यानी कि 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। यानी कि शिवाजी का जो जन्म था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को कहां, तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। फिर शिवाजी के पिता का नाम कौन, तो शाहजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। ध्यान दीजिएगा, माता पिता के भी नाम पूछ सकता कि पूछ सकते कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। तो ध्यान दीजिएगा, सबको कहते होंगे ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा माता पिता भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बिहार दरंग में पूछा गया क्वेश्चन था कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी माता पिता को इग्नोर नहीं करना है, इसको थोड़ा सा भी यानी कि जैसे आप ध्यान पूर्वक सबको देखते हैं उसी तरह से इसको भी लेना है। तो बता दें हम लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनदयाल मंगेशकर था, जो कि बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन। फिर आइए शिवाजी के गुरु थे कौन, कौंडदेव। शिवाजी के गुरु थे कौन, तो कौंडदेव। और शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ, तो साईबाई निम्बालकर से यानी कि 1640 ईस्वी में हुआ। यानी कि कह सकते हैं जन्म 1627 ईस्वी को और शादी जो यानी कि विवाह जो होगा 1640 ईस्वी को, कह सकते हैं 3 इधर और 10 यानी कि 13 वर्ष की अवस्था में शिवाजी का विवाह किसके साथ, तो साईबाई निम्बालकर के साथ हुई। फिर 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी कब बनाया, तो 1656 ईस्वी को। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ध्यान दीजिएगा शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, यानी कि प्राप्तकर्ता यानी कि किसके द्वारा उपाधि दी गई, तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई यानी कि दी थी। और फिर है मात्र 53 वर्ष की उम्र में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को यानी कि शिवाजी की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा जन्म कब, 1627 में, विवाह 1640 में, और मृत्यु कब हुई, तो 1680 ईस्वी में मात्र 53 साल की अवस्था में, 53 वर्ष की अवस्था में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हम क्या किए, मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किए वो है मराठों का उत्कर्ष। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर हम, तब तक के लिए थैंक्स।